हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडक्शन के पावर सप्लाई के बारे में कि हमारा ये इंडक्शन का पावर सप्लाई कैसे वर्क करता है। बहुत से लोग हमको बहुत सारा कमेंट आया कि सर इसका एक वीडियो और बनाइए, अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो मैं आज इसका डायग्राम के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस डायग्राम को एक बार समझ जाएंगे ना, तो 100% आप इस पावर सप्लाई में कभी भी नहीं फंसेंगे। आपको ये पावर सप्लाई एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी वे। ठीक है, तो आइए बस यही जानते हैं कि हमारा ये पावर सप्लाई कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे, फिर हम आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देंगे कि हाँ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, हमारा न्यूट्रल फेस, हमारा जो घर का लाइन आता है, एक न्यूट्रल आता है, एक फेस आता है। तो देखिए, एक हमारा फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो फेस से हमारा एक फ्यूज से फिर देखिए, फेस से हमारा एक फ्यूज, फ्यूज से एक डायोड, फ्यूज के बाद एक डायोड। ठीक है, और हमारा न्यूट्रल के बाद न्यूट्रल पे आया एक डायोड। देखिए, न्यूट्रल का एक डायोड। ठीक है, फिर दोनों डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इसका एनोड न्यूट्रल से है, इसका एनोड फेस से है, फेस जो फ्यूज से जुड़ा है। ठीक है, फ्यूज से, और फिर इसका इन दोनों डायोड का कैथोड आपस में दोनों मिल गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए सर्किट में भी समझा रहा हूँ और डायग्राम में भी साथ में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको स्किप करेंगे तो आप बहुत बड़ा चांस गंवा देंगे पावर सप्लाई का इसका। तो देखिए, ये हमारा न्यूट्रल फेस। ठीक है, फेस से एक फ्यूज, फ्यूज के बाद एक डायोड। देखिए यहाँ पे, देखिए न्यूट्रल का एक डायोड। ठीक है, दोनों डायोड आपस में देखो एक मिलेंगे। देखो कैसे मिलेंगे, ये देखिए, ये हमारा फेस है, फेस का देखिए एक यहाँ पे आया फ्यूज, फिर यहाँ से देखिए एक डायोड, इसका एनोड ए है, इसका कैथोड ए है। ठीक है, फिर देखिए हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का एनोड ए है, कैथोड ए है। ठीक है, देखिए फिर दोनों आपस में देखिए मिल गए यहाँ पे। देखिए दोनों आपस में, देखिए आपस में दोनों मिल गए हैं। ठीक है, ये देखिए आपस में दोनों मिल गए, इसका कैथोड और इसका ये डायोड का कैथोड आपस में मिल गए। फिर यहाँ से एक डायोड हमको और मिला, देखिए यहाँ से एक डायोड हमको और मिला, 4007 जिसका नंबर होता है। ठीक है, तो इसका इसके कैथोड से और इस डायोड का एनोड जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैथोड है दोनों का, यहाँ पे एनोड है। तो देखिए यहाँ से, ठीक है, एक डायोड और मिला। ठीक है, फिर एक डायोड से होके हमको 22 ओम्स का रजिस्टर, किसी इंडक्शन के पीसीबी में 33 ओम्स का रजिस्टर, किसी इंडक्शन में 150 ओम्स का रजिस्टर, जैसे इसमें 150 ओम्स का लगाया, लेकिन अधिक करके अब जो आ रहे हैं इसमें 22 ओम्स का ही लगाया। ठीक है, अब जो आ रहे हैं नए वाले, तो देखिए 22 ओम्स के रजिस्टर से होके हमको एक जो हमारा मेन कैपेसिटर पावर सप्लाई का 450 वोल्ट का 4.7 माइक्रोफेराड, उसके प्लस पे गया। अब रही बात, इसको माइनस कहाँ से मिल रहा है, माइनस का तो देखिए कहीं से कुछ हो नहीं। देखिए माइनस इसको यहाँ से मिल रहा है, ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल का लाइन यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे इसके यहाँ पे जुड़ गया, और फेस का लाइन देखिए यहाँ से आया और यहाँ से फिर इसके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, जैसे हम इसको न्यूट्रल फेस दे दिए इस डायोड को, देखिए यहाँ पे, देखें न्यूट्रल यहाँ पे आया, जुड़ गया, और फेस देखिए यहाँ से फ्यूज से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जुड़ गया। जैसे इसको न्यूट्रल फेस मिल गया, यहाँ पे हमको प्लस मिल गया, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, माइनस। जो हमारा कट पॉइंट होता है प्लस होता है। ठीक है, देख ले, जो हमारा कट पॉइंट होता है प्लस होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्लस मिल गया, हमको यहाँ पे माइनस हो गया, यही वाला माइनस यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे माइनस मिल गया। अगर ध्यान दीजिए, कभी भी आप इंडक्शन बना रहे हैं और मान लीजिए कि इसमें ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर मिला लगा ही नहीं है, किसी ने आपको दिया है, बहुत छेड़छाड़ से होकर आपके पास आया है, आप परेशान है कि अरे 18 वोल्ट 5 वोल्ट बनी रहे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो ये दोनों का कंटिन्यूटी मिला लीजिए कि यहाँ पे ग्राउंड अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
जब तक यहाँ पे ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक आपका 18 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आइए देखें, फिर हमको यहाँ पे माइनस मिल गया, यहाँ पे हमको प्लस मिल गया, प्लस कितना मिलेगा 300 वोल्ट 300 प्लस, ठीक है, करीब 330 340 300 वोल्ट मान लीजिए प्लस, ठीक है। फिर जैसे ही हमको यहाँ पे वोल्टेज आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज आया यहाँ पे, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, SMPS ट्रांसफार्मर या चॉपर ट्रांसफार्मर जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको चॉपर बोलते हैं, SMPS ट्रांसफार्मर जो भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे SMPS ट्रांसफार्मर के इस लेग पे आया, किस लेग पे, देखिए यहाँ पे आया, मैं क्या बोला, डायोड के बाद 22 ओम का रजिस्टर के बाद यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, फिर देखिए ये ट्रैक जा रहा है हमारे SMPS ट्रांसफार्मर के इस लेग पे, देखिए इस लेग पे आया, ठीक है। फिर ये अंदर से बाइंड, इसके अंदर से बाइंडिंग जो रहता है, ठीक है, वो बाइंडिंग से घूम घूम के इसके इस वाले पिन पे आया, ठीक है, इस वाले पिन पे आया, यही वोल्टेज हमारा घूम घूम के इसके अंदर के बाइंडिंग से इस वाले टर्मिनल पे आ गया, ठीक है। और फिर ये वोल्टेज सीधे आ गया हमारे किस पे, वाइपर 012 के पिन नंबर 5678 पे आया, पिन नंबर 5678 पे आ गया, ठीक है। तब प्रश्न आपका यही पे, यहाँ पे यही सवाल उठ गया कि भैया हम तो यहाँ पे मिल गया 300 वोल्ट, लेकिन हमारा स्विच कैसे करेगा, यहाँ पे हमको 18 वोल्ट कैसे मिल गया, इसको कैसे BCC यहाँ पे मिल रहा है, BCC तो इसको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से तो कुछ ऐसा मतलब किसी पावर सप्लाई में नहीं देखते हैं, तो स्टार्टिंग वोल्टेज यहाँ से दे दिया जाता है, स्टार्टिंग वोल्टेज जो TV के पावर सप्लाई होते हैं, LED TV या CRT TV जो भी मतलब और सब पावर सप्लाई में, उसके लिए एक स्टार्टिंग वोल्टेज मिल जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास ये TV का LED TV का बोर्ड है, तो देखिए ये जो रजिस्टर है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से वोल्टेज, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ फंक्शन है ही नहीं कि यहाँ से हमको कुछ ऐसा रजिस्टर वजिस्टर लगा के यहाँ पे हमको स्टार्टिंग वोल्टेज मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि भैया ये यहाँ पे 18 वोल्ट आता है कैसे, कैसे काम करता है। तो दो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे काम करता है। तो पहले उसको समझाने से पहले एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये समझ जाएंगे ना तो आप वो भी समझ जाएंगे। तो मान लीजिए हमारा एक ट्रेन है, ठीक है, इसको इस रिमोट को हम एज ए ट्रेन मान रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ट्रेन है और ये हमारा मोटरसाइकिल है, ठीक है, और यहाँ पे हमको कितना 300 वोल्ट है, तो समझ लीजिए 300 की स्पीड, ठीक है, और हमारा मोटरसाइकिल कितना स्पीड, 50 60 100 स्पीड इतने चलाते हैं हम लोग। तो कभी भी आप ऐसे जा रहे हैं रास्ते से और आपके मान लीजिए यहाँ पे पटरी है, रेल के बगल से आप ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे पटरी है, और आपके मान लीजिए बगल से ट्रेन अगर 300 स्पीड से अगर गुजरे तो आपको एक झटका और एक हवा तो ज़रूर लगेगा, कंफर्म लगेगा, यहाँ पे है और ट्रेन झटके में आया 300 वोल्ट में, तो आपको एक झटका लगेगा, एक हवा, बहुत तेज़ हवा लगेगा, ठीक है। बस यही समझ गए ना, अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए इस यहाँ पे यही काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है देखिए बता रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे 300 वोल्ट आया और इसके इस बाइंडिंग पे आया और इसके दूसरे बाइंडिंग से यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इसी बाइंडिंग के इंटरनल से यहाँ पे वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वोल्टेज देखिए हमने जैसे पावर लगाया ऐसे झटके में यहाँ से आया, इसके अंदर से झटके में निकला, और जैसे ये 300 वोल्ट यहाँ पे देखिए प्लस 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 जिसे अंदर से निकला और इसके अंदर से एक क्या हो गया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ, जैसे झटके में निकला एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ, और जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा जैसे यहाँ पे ये अपना तुरंत यहाँ पे कुछ एक इसको कुछ झटका पड़ेगा, जैसे झटका पड़ा यहाँ पे कुछ इसको मतलब मैग्नेट इफेक्ट पड़ा यहाँ पे, और ये जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हलचल मच गया, और जैसे हलचल मचा यहाँ पे 18 वोल्ट आया, और देखिए झटके वाला काम, यहाँ पे झटके से आया, यहाँ पे कुछ हलचल हुआ अंदर, और तुरंत यहाँ पे हमको एक वोल्टेज मिल गया, और देखिए ये 18 वोल्ट मिला यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक डायोड से 4048 जो स्विचिंग डायोड होता है हमारा यहाँ पे आया है, और इसके पिन नंबर 4 पे, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे 300 वोल्टेज आया और यहाँ पे झटके में इंटर किया, जैसे झटके में अगर कोई चीज़ इंटर करेगा तो कुछ तो हवा, कुछ तो झटका, कुछ तो महसूस होगा, और यहाँ पे इंटर हुआ, और फिर जैसे झटके में इंटर हुआ यहाँ पे कुछ हलचल मचा, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बना फील्ड, और यहाँ पे हमको 18 वोल्ट मिला, और यही 18 वोल्ट इसके देखिए यहाँ से आया, एक बार 18 वोल्ट मिल गया, ठीक है, और जैसे इसको 18 वोल्ट मिला झटके में, तो
ये स्विच किया, ड्रेन टू सोर्स, ये सोर्स होता है ठीक है, ये ड्रेन होता है और ये फीडबैक होता है और ये हमारा बीडीडी ठीक है। और जैसे यहाँ पर हमको 18 वोल्ट मिला, ये दोनों आपस में स्विच करना शुरू किए, जैसे एक बार स्विच किए फिर स्विच किए और ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूस मतलब अपना काम शुरू कर दिए ठीक है। यहाँ पे झटके में आया वोल्टेज, यहाँ पे ऑटोमेटिक काम शुरू हो गया। और यहाँ पे फीडबैक, जैसे हमारे ऑप्टो कपलर में जैसे इस पावर सप्लाई में देखेंगे ऑप्टो कपलर लगा रहता है ठीक है, वोल्टेज को फिक्स करता है कि हाँ भैया यहाँ पे कितना वोल्टेज है कितना वोल्टेज नहीं, ये सब यही सब ऑप्टो कपलर और 431 ये सब अपना समझते हैं कि भैया यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो उसको कम करना है। तो यही हमारा जो सेक्शन होता है, यही सेक्शन होता है ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम इधर ही से होता है सब कुछ, इसको यही बस संकेत देता है। तो यहाँ पे फीडबैक का काम करता है ये हमारा फीडबैक का काम करता है जीनो डायोड ठीक है। 18 वोल्ट यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट का जीनो डायोड लगा देंगे तो अभी तो मैंने कभी लगा के देखा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 12 वोल्ट का लगा देंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा ठीक है। जितना फीडबैक जितना उसको हम सेट कर देंगे, जितने वोल्ट पे 12 वोल्ट का सेट कर दिए तो 12 वोल्ट आना लगेगा। एक्चुअली मैंने कभी प्रैक्टिकल का किया नहीं है, लेकिन मेरे एक अंदाज से और एक होगा 100% यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 वोल्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है इसको ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 18 ही बनेगा जीनो डायोड से। तो फीडबैक यहाँ पे हमको 18 वोल्ट, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलता है ठीक है। तो हमको क्या, जैसे यहाँ पे इंटर हुआ वोल्टेज और यहाँ पे 18 वोल्ट मिला और ये हमारा कम्युनिकेशन शुरू किया, बातचीत करना शुरू हो गया मतलब स्विचिंग करना शुरू हो गया। और यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बनना जारी हो गया और यहाँ पे हमको 18 वोल्ट मिल गया। और यहाँ पे हमको कितना वोल्ट मिल गया, 9 वोल्ट मिल गया ठीक है। तो आइए हम इसको वोल्टेज देख के चेक करा देते हैं आपको कैसे कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए ठीक है।